नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं पाठ संख्या 13 पर, और पाठ संख्या 13 का शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें दी हुई है चित्र पर आधारित गतिविधि। मिठाई तो आप सभी को बहुत पसंद होगी, तो पहचान कर बताओ कि इनके नाम क्या है। मुझे पता है आप सबको इनके नाम पता होंगे। चलिए करते हैं पाठ में प्रवेश। इस पाठ में एक ऐसे नगर का वर्णन है जिसमें अव्यवस्था है। अव्यवस्था मतलब वहाँ कुछ भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, और जिसका राजा बिना विचारे कार्य करता है, जिससे प्रजा को तो कष्ट होता ही है, राजा भी अपनी ही विचारहीनता के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। तो चलिए पढ़ते हैं ये पाठ, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताऊंगी इस पाठ में पात्र हैं और वो कौन कौन से हैं। गुरुजी, दो शिष्य हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास, सब्जी वाला, हलवाई, राजा, फरियादी, मंत्री, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिष्टी, कसाई, गडरिया, कोतवाल और सैनिक। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें दृश्य एक। दृश्य एक में क्या है, चलिए देखते हैं। एक दिन एक महात्मा अपने दो शिष्यों के साथ भजन कीर्तन करते, भिक्षा मांगते, एक नगर से दूसरे नगर घूमते, सूर्योदय के समय एक नगर में पहुँचे। गुरुजी एक शिष्य से बोले, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखो, यदि भिक्षा भी अच्छी मिले तो ईश्वर को भोग लगाएं। नारायण दास ने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी बोले, गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूरब की ओर जाओ। भिक्षा में जो मिले उसे लेकर तुरंत आ जाओ। अधिक लोभ ना करना, अधिक लोभ हानि करता है। अब दोनों जाते हैं। दृश्य दो, गोवर्धन दास बाजार में सब्जी वाले से कहता है, क्यों भाई भाजी कैसे दी? सब्जी वाला, आलू, मिर्च, धनिया, नींबू, सारी भाजी टके सेर। गोवर्धन दास हलवाई से, क्यों भाई मिठाई कैसे दी? हलवाई, लड्डू, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा, सब मिठाइयाँ टके सेर। गोवर्धन दास कहता है, सचमुच सब टके सेर? हलवाई कहता है, इस नगर की चाल ही यही है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर मिलती हैं। गोवर्धन दास, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई कहता है, अंधेर नगरी। फिर गोवर्धन दास पूछता है, और इसका राजा कौन है? हलवाई कहता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास कहते हैं, वाह वाह। वो गाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। चलिए आगे चलते हैं। अब है यहाँ पर दृश्य तीन, गोवर्धन दास ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर गुरुजी के पास पहुँचता है। गोवर्धन दास कहता है, देखिए गुरुजी, 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ, यहाँ प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती है, सब टके सेर मिलता है। गुरुजी सोच में, यह तो अंधेर नगरी है, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं, चलो चलो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। नारायण दास, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी यहाँ सब कुछ बहुत सस्ता है, इसीलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ समय यहाँ रुकना चाहता हूँ। गुरुजी कहते हैं, बच्चा अत्यधिक लोभ अच्छा नहीं, बाद में पछताओगे, पर जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर कोई संकट आए तो मुझे तुरंत याद करना। गुरुजी नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास मिठाई खा खा कर कुछ ही दिनों में बहुत मोटा तगड़ा हो गया।
अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है दृश्य चार। राजा के दरबार में एक फरियादी फरियाद लेकर आता है। फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई, मुझे न्याय दिलाया जाए। राजा कहता है, कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ कर लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, तो फिर कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। सैनिक कल्लू बनिए को पकड़ कर लाते हैं। कल्लू बनिया कहता है, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने दीवार ही ऐसी बनाई कि वह गिर गई। राजा, इसे छोड़ दो और कारीगर को पकड़ कर लाओ। सैनिक कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। कारीगर हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मैं सच कहता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा बनाया कि दीवार गिर गई। राजा, कारीगर को छोड़ दिया जाए, चूने वाले को पकड़ कर लाओ। सैनिक चूने वाले को पकड़ कर लाते हैं। चूने वाला डरते हुए कहता है, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में इतना पानी दिया कि चूना कमज़ोर हो गया। राजा कहता है, चूने वाले को छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं, भिश्ती को पकड़ कर लाओ। चूने वाले को निकाला जाता है और भिश्ती को पकड़ कर लाया जाता है। अब भिश्ती रोते हुए कहता है, मुझे क्षमा करे महाराज, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा कहता है, इसे छोड़ दो, जल्दी जाओ और कसाई को पकड़ कर लाओ। अब कसाई आता है, दुहाई महाराज इसमें मेरा नहीं गडरिये का दोष है, उसने बड़ी भेड़ बेची जिससे बड़ी मशक बन गई। राजा कहता है, इसे छोड़ दो, तुरंत गडरिये को पकड़ कर लाओ। कसाई जाता है और सैनिक गडरिये को लेकर आते हैं। फिर गडरिया कहता है, महाराज मुझे क्षमा करें, उधर से कोतवाल की सवारी आ रही थी, उसे देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं। राजा कहते हैं, इसे निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। सैनिक गडरिये को लेकर जाते हैं और कोतवाल को पकड़ कर लाते हैं। राजा, कोतवाल तुमने अपनी सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी जिसके कारण कल्लू बनिए की दीवार गिरी और बकरी मर गई। कोतवाल, महाराज महाराज। राजा कहते हैं, महाराज महाराज कुछ नहीं, सारा कसूर कोतवाल का है, इसे तुरंत फांसी दी जाए। कोतवाल को फांसी देने के लिए लेकर जाते हैं। तो ये थी बच्चों अंधेर नगरी। अब हमारे पास है दृश्य नंबर 5। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है, मिठाई खाकर वह बहुत मोटा हो गया है। सैनिक कहते हैं गोवर्धन दास से, बाबा जी अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? बाप रे बाप, फांसी? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे फांसी दी जा रही है? सैनिक, आप मोटे हैं इसीलिए आपको फांसी दी जाएगी। गोवर्धन दास, मोटा होना कोई अपराध है क्या? सैनिक कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। कोतवाल साहब दुबले हैं, परंतु फांसी का फंदा इतना बड़ा बन गया कि कोतवाल साहब की गर्दन में पूरा नहीं आया। तब राजा जी ने हुक्म दिया कि किसी भी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दी जाए। बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को सज़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। अब गोवर्धन दास कहता है, क्या इस शहर में तुम्हें कोई और मोटा आदमी नहीं मिला जो तुम मुझे पकड़ कर ले जा रहे हो? सैनिक, फांसी का फंदा आपके गले में बिल्कुल सही आ रहा है, इसीलिए कोतवाल के स्थान पर आपको फांसी दी जाएगी। सैनिक गोवर्धन दास को पकड़ कर ले जाते हैं। अब है दृश्य नंबर 6। गोवर्धन दास कहता है स्वयं से, गुरुजी सच कहते थे, यह अंधेर नगरी है, उनका कहना नहीं माना, उसी का फल भोगना पड़ रहा है। कोई मुझे बचाए जोर जोर से पुकारता है, गुरुजी मुझे बचाइए। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरुजी, बच्चा गोवर्धन दास, मैंने तुम्हें समझाया था कि अंधेर नगरी में रहना ठीक नहीं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी।
गोवर्धन दास गुरुजी भूल हो गए, आज बचा लीजिए फिर कभी ऐसा नहीं होगा। गुरुजी गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं। सैनिक, आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं? गुरुजी, मैं अपने शिष्य को गुरुपदेश दे रहा था। गोवर्धन दास सैनिकों से कहता है, मुझे तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाए। गुरुजी कहते हैं, नहीं बच्चा, फांसी पर मुझे चढ़ने दो। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। दोनों बार बार फांसी पर चढ़ने की जिद करते हैं। राजा, क्या गोलमाल है, आप दोनों ही फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? गुरुजी, इस समय बहुत शुभ मुहूर्त है, जो इस समय फांसी चढ़ेगा वह सीधा बैकुंठ में जाएगा। तब राजा कहता है, अगर ऐसा है तो मेरे होते हुए कोई और फांसी नहीं चढ़ेगा, जल्दी करो, पहले मुझे फांसी चढ़ाओ, शुभ मुहूर्त बीत ना जाए। लोग राजा को पकड़कर फांसी पर चढ़ा देते हैं। बिल्कुल भी राजा बुद्धिमान नहीं था, और ये थी अंधेर नगरी, और ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पर आधारित है। कठिन शब्द से शुरू कर रही हूँ। सो बच्चों, अब यहाँ पर हमें दिए हुए हैं कठिन शब्द जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। महात्मा, शिष्य, भिक्षा, गोवर्धन, टके, शेर, चौपट, आज्ञा, फरियाद, न्याय, बनिए, सैनिक, कारीगर, भिष्टी, मशक, दुहाई, हुक्म, वार्तालाप, गुरुपदेश, मुहूर्त। तो ये सारे कठिन शब्द आपको लिखने हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका में। आगे हमें दिए हुए हैं शब्दार्थ जिन्हें आपको याद भी करना है और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखना है। लोभ, लोभ का अर्थ है लालच, कसूर, दोष, भाजी, सब्जी, अपराध, जुर्म, गुनाह, चाल, रीति, हुक्म, आदेश, संकट, मुसीबत, भूल, गलती, फरियाद, जुल्म की शिकायत, और वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। तो ये सारे शब्द अर्थ आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। अब हम करते हैं अभ्यास बात पाठ की। बताओ क्या पढ़ा? महात्मा जी के कितने शिष्य थे? महात्मा जी के दो शिष्य थे, नारायण दास, गोवर्धन दास। गोवर्धन दास किस दिशा में भिक्षा मांगने गए थे? पश्चिम दिशा में। राजा के दरबार में कौन आया था? फरियादी। राजा के दरबार में फरियादी क्या फरियाद लेकर आया था? राजा के दरबार में फरियादी यह फरियाद लेकर आया था कि उसकी बकरी कल्लू बनिए की दीवार गिरने के कारण मर गई थी, और अब उसे उसके लिए न्याय चाहिए था। अंत में किसे फांसी पर चढ़ाया गया? राजा को। चलिए आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है हमें। नगर का क्या नाम था? नगर का नाम था अंधेर नगरी। राजा ने किसे फांसी देने का हुक्म सुनाया? कोतवाल को। और गोवर्धन दास को किसने बचाया? उनके गुरुजी ने। बिल्कुल, अंधेर नगरी में प्रत्येक चीज टके शेर मिलती थी, तो यहां पर हम लिखेंगे शेर। अंधेर नगरी का राजा चौपट राजा था। कल्लू बनिए की दीवार गिरने से डैश मर गई थी। कौन मर गई थी? बकरी। भिष्टी ने चूने में इतना पानी दिया कि चूना कमजोर हो गया। आप इसे मेरे साथ साथ ही अपनी पाठ्य पुस्तिका या पुस्तक में भरते जाएं। चलिए, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर बताओ किसने किसको दोषी माना। कल्लू बनिए ने कहा, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने दीवार ही ऐसी बनाई कि वह गिर गई। कल्लू बनिए ने कारीगर को दोषी माना। कारीगर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं सच कहता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा बनाया कि दीवार गिर गई। तो कारीगर ने किसे दोषी माना? चूने वाले को। चूने वाले ने डरते हुए कहा, महाराज मेरा कोई दोष नहीं,
बिश्ती ने चूने में इतना पानी दिया कि चूना कमज़ोर हो गया। तो चूने वाले ने किसको दोषी माना? बिश्ती को। बिश्ती ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। बिश्ती ने दोषी माना कसाई को। और कसाई ने कहा, दुहाई महाराज, इसमें मेरा नहीं कडरिए का दोष है। उसने बड़ी भेड़ बेची जिससे बड़ी मशक बन गई। तो कसाई ने गडरिए को दोषी माना। अब नंबर 5 पे हमें दिया हुआ है, नीचे दी गई पंक्तियों का अभिप्राय बताओ। यहाँ प्रत्येक वस्तु टके सेर मिलती है, मतलब एक टके की एक सेर बहुत सस्ती मिलती है। यह तो अंधेर नगरी है, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं। इस पंक्ति का अभिप्राय ये है बच्चों कि यह तो अंधेर नगरी है, मतलब यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, इसीलिए यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ हमें खतरा हो सकता है। बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को सज़ा होनी ज़रूरी है। अब बकरी तो मरी है और राजा से क्या मांगा गया है? न्याय। तो किसी ना किसी को तो सज़ा होनी ज़रूरी है, इससे राजा को कोई मतलब नहीं है कि सज़ा किसको हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। नगर का नाम अंधेर नगरी था, सही। अंधेर नगरी में प्रत्येक वस्तु बहुत महंगी थी, नहीं, प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती थी। बनिए की दीवार गिरने से बकरी मर गई, बिल्कुल सही। चूने वाले ने गडरिए की गलती बताई, नहीं। अंत में फांसी राजा को हुई, सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। गुरुजी ने अधिक लोभ ना करने की सलाह क्यों दी? गुरुजी ने अधिक लोभ ना करने की सलाह इसीलिए दी क्योंकि अधिक लोभ करने से हानि होती है। राजा ने दीवार को पकड़कर लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि राजा को ये बताया गया कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से बकरी की मृत्यु हो गई। कसाई का क्या कसूर था? कसाई का यह कसूर था कि बिश्ती वाले ने कहा था कि कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। तो ये कसूर था कसाई का कि उसने मशक बड़ी बना दी थी। कोतवाल को फांसी क्यों नहीं दी जा सकी? क्योंकि कोतवाल पतला दुबला था और फांसी का फंदा बड़ा था, जो कोतवाल की गर्दन के लिए भी बड़ा था, इसीलिए कोतवाल को फांसी नहीं दी जा सकी। गुरुजी ने फांसी पर चढ़ने के पीछे क्या तर्क दिया? गुरुजी ने फांसी के पीछे चढ़ने पर यह तर्क दिया कि जो भी इस शुभ मुहूर्त में फांसी चढ़ेगा वह सीधा बैकुंठ को जाएगा। तो थी ना बच्चों मज़ेदार सी कहानी, अंधेर नगरी, चौपट राजा। चलिए आगे चलें। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।